माइग्रेशन दोस्तों, ये शब्द सबसे ज़्यादा तब फोकस में आया जब लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में भारत के जगह जगह से वर्कर्स ने अपने बर्थ स्टेट की तरफ माइग्रेशन करना स्टार्ट किया। और क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, भारत में 450 मिलियन यानी 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनल माइग्रेंट्स है, जो कि भारत की 37% पॉपुलेशन है। यानी भारत की 37% आबादी अपने बर्थ और ओरिजिन प्लेस के बजाय दूसरी जगह पर रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे इंटरनल माइग्रेशन के बारे में। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी भी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है एक ही कंट्री के अंदर लोगों का अपने हैबिचुअल निवास स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरण, फिर चाहे वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट यानी एक ही जिले के अंदर हो, एक ही स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच हो, या इंटर स्टेट यानी दो राज्यों के बीच हो। भारत में इंटरनल माइग्रेशन मुख्य दो प्रकार का होता है। एक तो है लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, जिसमें लोग या पूरा परिवार हमेशा के लिए अपने ओरिजिन प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह रिलोकेट यानी बस जाते हैं। और दूसरा है शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, जिसमें लोगों की अपने ओरिजिन प्लेस और काम के स्थान के बीच समय समय पर मूवमेंट होती रहती है। और भारत में लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म माइग्रेशन ज्यादा होता है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को यह हक देता है कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली जा सके और भारत के किसी भी स्थान पर सेटल हो सके। तो माइग्रेशन करना कोई बुरी बात है या अच्छी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये इंटरनल माइग्रेशन भारत के अलग अलग राज्यों के डेमोग्राफिक्स में काफी मात्रा में चेंजेस ला रहे हैं। भारत में होते इंटरनल माइग्रेशन के कई कारण है, जैसे कि अर्बनाइजेशन। भारत में तेजी से अर्बन हो रहे शहर बड़ी मात्रा में गाँव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के कारण भारत की अर्बन पॉपुलेशन 2014 में 41 करोड़ थी, वो 2015 तक 81 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि दूसरी तरह से देखें तो कुछ हद तक अच्छा ही है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट माइग्रेशन का रीजन है मैरिज, स्पेशली फीमेल्स के लिए। मैरिज के अलावा एजुकेशन भी एक रीजन है। अच्छा एजुकेशन पाने के लिए हर साल कई स्टूडेंट्स दूसरे शहर या स्टेट में माइग्रेट करते हैं। और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तो भारत के टोटल माइग्रेंट्स में से 1.77% माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स ही है, जो कि एजुकेशन के लिए टेम्पररी स्थानांतरण करते हैं। इन सब के अलावा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस और एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर रिस्क भी इंटरनल माइग्रेशन के कारण बनते हैं। दोस्तों, भारत के इंटरनल माइग्रेशन में 62% माइग्रेशन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ही जिले में होता है। यानी टोटल माइग्रेंट्स में से 62% माइग्रेंट्स अपने ही जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। दूसरा 26% माइग्रेशन एक ही स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के बीच होता है। और सिर्फ 12% माइग्रेशन इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। जी हाँ, सिर्फ 12%। लेकिन ये 12% भारत के 54 मिलियन यानी 5.4 करोड़ लोग हैं, जो कि भारत की 4% की आबादी है। यानी भारत की 4% की आबादी अपने ओरिजिन स्टेट के बजाय दूसरे स्टेट में रहती है। हालांकि ये डेटा 2011 के थे, लेकिन 2016 में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अब ये इंटरस्टेट माइग्रेंट्स 5.4 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो चुके हैं। हमें ये नंबर काफी बड़े लगे, लेकिन एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले इंटरनल माइग्रेशन का रेट काफी कम है। लेकिन भारत का इंटरनल माइग्रेशन एनुअली 4.5% की रेट से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, भारत में इंटरनल माइग्रेशन के टॉप सोर्स स्टेट यानी जिन स्टेट से लोग दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड। इन स्टेट्स का आउट माइग्रेशन रेट काफी हाई है, जबकि टॉप डेस्टिनेशन स्टेट्स यानी जिन स्टेट में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स का इन माइग्रेशन रेट काफी हाई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश दोनों ही कैटेगरी में टॉप स्टेट्स में आता है। बड़ी संख्या में यूपी के लोग दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर रहे हैं, और उसी तरह बड़ी संख्या में दूसरे स्टेट्स के लोग भी यूपी में माइग्रेट कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। दोस्तों, अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार ही भारत के 37% माइग्रेंट्स का सोर्स है। वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दूसरे बड़े मेट्रोपोलियन सिटीज के अलावा पुणे और सूरत जैसी सिटीज भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन के डेस्टिनेशन प्लेसेस है। यहाँ तक के सूरत और पुणे पूरे एशिया में इन माइग्रेशन से
सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2011 के सेंसिस के मुताबिक पुणे की पॉपुलेशन 31 लाख हो गई थी। 2011 में पुणे की पॉपुलेशन में इंटरनल माइग्रेंट्स 14% का हिस्सा रखते थे, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गए। यानी 21% पुणे की आबादी नेटिव पुणे की नहीं है। उसी तरह सूरत, एज ऑफ 2015 सूरत की 53 लाख की आबादी में से 58% आबादी इंटरनल माइग्रेंट्स है, जो कि गुजरात के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या भारत के दूसरे राज्यों से माइग्रेट कर सूरत में बसे हैं। सूरत में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आकर बसे हैं, जो कि सूरत को काइंड ऑफ मिनी इंडिया बना देते हैं। सूरत की सिर्फ टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री ने ही ओडिशा के 6 लाख से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि लॉकडाउन के बाद जब गवर्नमेंट द्वारा माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, तब सबसे ज्यादा ट्रेन सूरत से ही गई थी, एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट आधा सूरत खाली हो गया था। दोस्तों, अब इंटर स्टेट माइग्रेशन के रूट्स पर एक नजर डालते हैं, यानी कौन से राज्यों से लोग किस राज्य में जा रहे हैं। हालांकि ये डेटा 2011 के है, लेकिन ये हमें फिलहाल की सिचुएशन का भी आइडिया देते हैं। मेजर रूट्स है उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से गुजरात, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, बिहार से दिल्ली और कर्नाटका से महाराष्ट्र। इन सभी रूट्स पर एनुअली 3 लाख से ज्यादा लोग सोर्स स्टेट से डेस्टिनेशन स्टेट की तरफ माइग्रेट करते हैं। इनके अलावा बिहार से वेस्ट बंगाल, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से पंजाब, उत्तराखंड से दिल्ली, बिहार से महाराष्ट्र, झारखंड से वेस्ट बंगाल, बिहार से गुजरात और ओडिशा से गुजरात। इन रूट्स पर भी एनुअली 2 लाख से 3 लाख लोग सोर्स स्टेट से डेस्टिनेशन स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। इनके अलावा राजस्थान से गुजरात, राजस्थान से महाराष्ट्र, तमिलनाडु से कर्नाटका, केरला से कर्नाटका, महाराष्ट्र से गुजरात, मध्य प्रदेश से गुजरात, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, तेलंगाना से कर्नाटका, ओडिशा से केरला, तमिलनाडु से महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से आसाम, बिहार से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, ओडिशा से आंध्र प्रदेश, केरला से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गोवा। ये सभी भी बड़े माइग्रेशन रूट्स हैं, जहां एनुअली 1 लाख से ज्यादा लोग सोर्स स्टेट से डेस्टिनेशन स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ जैसे 40 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के धनबाद, लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, आसाम में नलबारी और दरंग डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में बोलांगीर और गंजम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में बीदार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में झाबुआ और बैतूल डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में चूरू, झुंझुनू और पाली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग और गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नेट आउट माइग्रेशन का रेट ज्यादा है, यानी इन जिलों से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं। जबकि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, यूपी में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, आसाम में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, तमिलनाडु में तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, ईरोड और कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी दमन और दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र में मुंबई सब अर्बन, ठाणे और पुणे डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और वलसाड। इन डिस्ट्रिक्ट में नेट इन माइग्रेशन का रेट ज्यादा है, यानी बड़ी संख्या में बाहर के लोग माइग्रेंट्स के रूप में इन जिलों में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए क्या आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं माइग्रेंट्स के कारण भारत की ज्यादातर अर्बन सिटीज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज बनी है। हालांकि इंटरनल माइग्रेशन के दोनों ही सोर्स स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।